नमस्कार दोस्तों, सीएससी आईडी लेने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपको टेक का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है फ्रेंड्स। उसके बिना आप सीएससी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। सीएससी आपको किस प्रकार से टेक का रजिस्ट्रेशन करना है मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दे दिया है, आप वहाँ से डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। आपको लॉगिन विद अस कर देना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक रजिस्टर और लॉगिन करने का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आपको सिंपली पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए फ्रेंड्स रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स। बेसिकली इसमें आपको कुछ नहीं, बस अपना बेसिक डिटेल्स भरना है, जैसे नाम, जेंडर, DOB, ईमेल आईडी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और एक पासपोर्ट साइज आपको फ़ोटो अपलोड कर देना है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको 1479 रुपये का पेमेंट करना होता है। तो चलिए मैं सारी जानकारी भर के आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लिया है। मैं सारी जानकारी भर के आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसलिए आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके फ्रेंड्स। सीएससी आईडी लेना अब काफ़ी मुश्किल हो गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे यह कैप्चा डाल देना है। जैसे ही सारी जानकारी भरने के बाद आपको कैप्चा सबमिट करेंगे तो आपके सामने पेमेंट पेज का गेटवे आ जाएगा। तो चलिए मैं सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही फ्रेंड्स आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल अमाउंट 1479.72 रुपये आपको पेमेंट करना है फ्रेंड्स। आप पेमेंट नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या भीम UPI के थ्रू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे पेमेंट जो है अपना भीम UPI के थ्रू करके दिखाने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे UPI सेलेक्ट किया। उसके बाद आपको यहाँ पे गूगल पे, फ़ोनपे, जो भी आपका UPI है मैं यहाँ पे फ़ोनपे से करने वाला हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना UPI ID डाल देना है। UPI डालने के बाद आपको मेक पेमेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके UPI जो है एक रिक्वेस्ट जाएगा, आपको वहाँ से पेमेंट कर देना है UPI ID डाल के। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पर रिक्वेस्ट आ चुका है। मैं यहाँ पे अपना पेमेंट करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप पे वाले पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से सेंड कर देना है। तो यहाँ पर पेमेंट आप इतना HDFC बैंक सक्सेसफुल, मेरा पेमेंट हो चुका है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड मिल जाएगा फ्रेंड्स। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ट्रांजेक्शन आईडी, आर्डर आईडी, कोर्स नेम, टेली सेंटर इंटरप्रेन्योर कोर्स। यहाँ पे आपका यूजर नेम देख जाएगा TEC। उसके बाद आपको पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर ही रहता है जैसा कि यहाँ पर देखा है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इसे यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लिया है। आपको इसी तरह से ले लेना है। उसके बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर जाना है। लॉगिन वहाँ से अपना मोबाइल नंबर और TEC पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद फ्रेंड्स आपको 10 असेसमेंट क्लियर करना होता है। उसके बाद आपको फाइनल एग्ज़ाम होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे आपको लर्निंग का एक ऑप्शन दिख जाएगा, आप यहाँ से लर्न कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल होता है, ज़्यादा कुछ कठिन है नहीं। मैंने यहाँ पे सारे असेसमेंट पूरे कर लिए हैं। आपको कम से कम 5 नंबर लाना आवश्यक होता है। यहाँ पे 10 असेसमेंट दिए गए हैं, 10-10 नंबर के पूछे गए हैं। उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम के लिए आप रेडी हो जाएंगे। फाइनल एग्ज़ाम में फ्रेंड्स आप 50% मार्क्स लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, इसमें भी और इसमें भी। इसलिए आप लोग, मैंने यहाँ पे सारे असेसमेंट पूरे कर लिए, मेरा फाइनल एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा मैं एग्ज़ाम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने नया इंटरफेस दिखाई देगा। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे अपना सिलेक्ट लैंग्वेज, यहाँ पे लैंग्वेज के लिए बोलेगा, आपको इंग्लिश कर देना है फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे मोबाइल पे बता रहा हूँ। योर फर्स्ट अटेम्प्ट, आप 2 बार एग्जाम दे सकते हैं, 2 बार फेल होते हैं तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन का पेमेंट करना होगा। इसलिए आप लोग सावधानीपूर्वक अपना एग्ज़ाम दीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो फ्रेंड्स। यदि फिर भी कोई दिक्कत हो रजिस्ट्रेशन करने में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और
कोई भी जानकारी के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।